हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ। StudyIQ के इस वीडियो में हम करेंगे 7 फरवरी के करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए क्विज़ है और ये मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ एक बार। चलिए क्विज़ के क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने अभी अभी पहला महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर बनाया है, यानी सम्मेलन केंद्र बनाया है। कौन से कंट्री में बनाया है? और सिर्फ कंट्री ही बताना काफ़ी नहीं है, आपको यह भी बताना है कि उस कंट्री के कौन से शहर में बनाया है। तो दोनों चीज़ें आपको बतानी है। संजीव चड्ढा ये अभी अभी प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं कौन से बैंक के? अभी 3-4 सरकारी बैंक हैं जिनके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO चेंज हुए हैं, संजीव चड्ढा किसके बने हैं? नमामि गंगे, गंगा की सफाई के लिए जो मिशन है उसको बोलते हैं नमामि गंगे। नमामि गंगे के अंतर्गत गंगा यात्रा की शुरुआत की गई अभी अभी, तो गंगा यात्रा कौन से शहर से शुरू हुई? कौन सा टूर्नामेंट है, टेनिस का टूर्नामेंट है, जो चाइना से कजाकिस्तान में शिफ्ट कर दिया गया था क्योंकि चाइना में कोरोना वायरस की समस्या है? तो इस पूरे टेनिस टूर्नामेंट को चाइना से कजाकिस्तान में ले जाया गया है, अब इसकी मेजबानी कजाकिस्तान कर रहा है। कौन से टूर्नामेंट की बात हो रही है? कौन से भारत के खिलाड़ी हैं जो पिट्सबर्ग ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट में सेकंड रहे? फाइनल में हार गए लेकिन फाइनल तक पहुंच गए, बहुत बड़ा इवेंट था पिट्सबर्ग ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट। और कमेंट्स में लिख के मुझे आपको ये भी बताना है, और ये आपको कमेंट्स में लिखना है नीचे कि पिट्सबर्ग जो है ये जगह कौन से कंट्री में है। बिली एलिश, इन्होंने कई सारे ग्रैमी अवार्ड जीते हैं अभी अभी, तो बिली एलिश एक सिंगर है, ये कौन से कंट्री से हैं, कौन से देश से हैं बिली एलिश? दुमहल, ये जो डांस किया जाता है दुमहल, ये फोक डांस है, लोक नृत्य है, कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी में किया जाता है, इसको बोलते हैं दुमहल। कलेसर नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। विश्वराज जडेजा ये कौन सा खेल खेलते हैं? विश्वराज जडेजा एक बहुत ही अद्भुत खेल है जो ये खेलते हैं, और ये एकमात्र पूरे भारत में खिलाड़ी हैं जो इस खेल को खेलते हैं, जिन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया इस खेल में। किस खेल की बात हो रही है, क्या करते हैं विश्वराज जडेजा? कौन सी कंपनी है जो सबसे बड़ी हथियारों की निर्माता है पूरी दुनिया में? ये आर्म्स बनाती है, यानी कि वेपन बनाती है, हथियार बनाती है, और सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी है, वो भी बाय फार बहुत लंबे अंतर से। क्या नाम है इस कंपनी का और कौन से देश की है? अभी अभी डिफेंस एक्सपो हुआ था लखनऊ में, इसका थीम क्या था, इसका विषय क्या था? ये एक रक्षा प्रदर्शनी है एक तरह की, डिफेंस एक्सपो, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, इसका थीम क्या था? गोलोक चंद्र गोस्वामी का निधन हो गया, इन्होंने नाम कमाया कौन सी भाषा में? ये एक भाषा के विद्वान थे, तो कौन सी भाषा के विद्वान थे गोलोक चंद्र गोस्वामी? भारत के किस राज्य में एक डांस किया जाता है लोक नृत्य जिसको बोलते हैं सॉन्ग, सांग या सॉन्ग, कहां किया जाता है? यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनिडो, यूनिडो का हेडक्वार्टर कहां है, यूनिडो का मुख्यालय कहां है? यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद भारत का रक्षा निर्यात का लक्ष्य क्या है, डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट, यानी कितने करोड़ या कितने अरब डॉलर का हम निर्यात करना चाहते हैं अगले 5 सालों में, यानी 2024 तक, ये लक्ष्य हमारा क्या है? तो ये जो है, और भी हैं क्वेश्चन, और भी हैं, 5 क्वेश्चन और हैं। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कौन सा मंत्रालय है जिसकी झांकी को बेस्ट झांकी का पुरस्कार मिला रिपब्लिक डे परेड में? किस मंत्रालय की झांकी को मिला, टैबलो को मिला? सो मोरीरी नाम का लेक कहां पे है भारत में? सो मोरीरी। सचिन बंसल, इन्होंने कौन से बैंक के स्वतंत्र निदेशक के पद से इस्तीफा दिया? फ्लिपकार्ट कंपनी के सह संस्थापक सचिन बंसल। अब मैं आपको आंसर बताता हूं, तो आपको देखना है आप कितने कर पाए सवाल। पहला महात्मा गांधी सम्मेलन केंद्र बनाया है भारत ने, नाइजर कंट्री है और शहर है नियामे।
कंट्री का नाम है नाइजर और शहर का नाम है नियामी। संजीव चड्ढा बने हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ। नमामि गंगे मिशन के तहत गंगा यात्रा शुरू की गई बिजनौर से, उत्तर प्रदेश का बिजनौर। चाइना से कजाकिस्तान तक जिस टूर्नामेंट का स्थानांतरण किया गया वो है फेडरेशन कप। पिट्सबर्ग ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट जीता नहीं, दूसरे नंबर पर रहे सौरव घोषाल। और पिट्सबर्ग कहां पे है ये आपको मुझे कमेंट्स में लिख के बताना है। बिली एलिश ये अमेरिका की सिंगर है, यूएसए। दुमहल डांस किया जाता है जम्मू कश्मीर में, दुमहल, और एक और है राफ। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा में, कलेसर और सुल्तानपुर दो हैं हरियाणा में। विश्वराज जडेजा करते हैं आइस स्केटिंग, बर्फ के ऊपर स्केटिंग करते हैं। स्केटिंग आप जानते होंगे, एक वो पहिए वाले जूते लगाकर लोग जो फिसलते हैं बर्फ पे, तो आइस स्केटिंग विश्वराज जडेजा। सबसे बड़ी हथियारों की निर्माता है अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन। कंपनी का नाम पूछा था तो कंपनी का नाम है लॉकहीड मार्टिन। डिफेंस एक्सपो का थीम ये था, इंडिया द एमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। भारत जो है वो अगला उभरता हुआ रक्षा निर्माता है, यानी हथियार बनाने वाली या जितने भी डिफेंस की चीजें भारत बनाएगा। तो ये था थीम। इस बार फोकस किया गया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर, यानी हम हमारी जो सेनाएं हैं उनको डिजिटल कैसे तब्दीली कर सकते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस किया गया और थीम था इंडिया द एमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। गोलोक चंद्र गोस्वामी ये असमिया भाषा के विद्वान थे, असमीज असम की जो भाषा है उसके विद्वान थे गोलोक चंद्र गोस्वामी। सांग नाम का नृत्य किया जाता है हरियाणा में। यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक संवर्धन संगठन, इसका मुख्यालय है वियना में, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। भारत का रक्षा निर्यात टारगेट अब आपसे अमरीकी डॉलर में भी पूछ सकते हैं और आपसे रुपी में भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपसे पूछें अरब डॉलर में तो आप कहेंगे $5 अरब, यानी $5 बिलियन। अगर आपसे पूछे रुपीज में तो आप कहेंगे 35,000 करोड़। तो ऑप्शन में दोनों मिल सकते हैं, आपको रुपीज में भी मिल सकता है और आपको डॉलर में भी मिल सकता है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में। बेसिकली अमानगढ़ टाइगर रिजर्व जो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट है उसी का हिस्सा है। तो जिम कॉर्बेट का वो हिस्सा जो उत्तर प्रदेश में रह गया था जब उत्तराखंड अलग राज्य बना था, उसको नाम दिया गया अमानगढ़। ठीक है, तो क्योंकि उत्तराखंड अलग राज्य बना था सन 2000 में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है करनाल में, करनाल है हरियाणा में, तो आंसर है हरियाणा। आपको करनाल भी याद रखना है। NDRI, कई बार ऐसे पूछते हैं NDRI, कई बार पूछते हैं CDRI। अब दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर पूछे NDRI तो मतलब राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, अगर पूछे CDRI तो मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि NDRI पूछ रहे हैं कि CDRI पूछ रहे हैं। रिपब्लिक डे परेड पर जिस मंत्रालय का झांकी सबसे बेस्ट था वो था जल शक्ति मंत्रालय। और जल शक्ति मंत्रालय ने क्या दिखाया था, जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन को दिखाया था। जल जीवन मिशन इनकी वो योजना है जिसमें 2024 तक हर घर में नल से पानी पहुंचाएंगे, तो पाइप्ड वाटर यानी नल से जल 2024 तक। तो मंत्रालय पूछ रहे हैं, विभाग पूछे तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, इसका विभाग का टेबलो बेस्ट था, और राज्यों में असम। सोमोरेवी झील है लद्दाख में है। दो झील याद रखिए वहां की, सोमोरेवी और एक है पेंगोंग सो, ये भी लद्दाख में है, चीन बॉर्डर पे एकदम पेंगोंग सो। इनफैक्ट पेंगोंग सो लेक का 2/3 भाग चीन में है, 1/3 भारत में। सचिन बंसल ने रिजाइन कर दिया एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और उजीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलिए अब हम करते हैं आज के करंट अफेयर, जितने भी आपके ठीक हुए आप मुझे बता सकते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा? बौद्धिक संपदा होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पिछले साल भारत की सरकार ने आईपी नानी नाम का एक कार्टून बनाया था बौद्धिक संपदा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। तो बौद्धिक संपदा होता है अगर आप किसी की चीज़, किसी का म्यूज़िक है, किसी का आर्ट है, किसी का वीडियो है, किसी का ऑडियो है, ये सब चोरी कर लें तो उसे बोलते हैं बौद्धिक संपदा की चोरी। तो इस मामले में भारत अभी बहुत पीछे है। इस बार 53 देशों की रैंकिंग आई है, उसमें भारत का स्थान है 40। नंबर वन कंट्री है अमेरिका, यानी अमेरिका में बौद्धिक संपदा को काफ़ी सुरक्षित रखा जाता है, उसके लिए कानून है काफ़ी सख्त। दूसरे नंबर पे है ब्रिटेन और तीसरे नंबर पे रहा स्वीडन। तो आपको बस नंबर वन याद रखना है अमेरिका और भारत का स्थान है 40। पिछले साल भारत का स्थान था 36, तो भारत पीछे लुढ़का है इस पिछले साल के कंपैरिजन में। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो, सी फूड होता है समुद्री भोजन, जैसे कि मछली, जैसे कि केकड़ा, या बहुत सारी चीज़ें खाते हैं लोग, ऑयस्टर वगैरह खाते हैं आजकल। तो सी फूड शो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा केरल के कोची शहर में। कोची शहर में ग्लोबल आयुर्वेद सम्मिट भी हुआ, वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन भी हुआ, अपहरण नाम का युद्ध अभ्यास भी किया हमने यहाँ पे, मालदीव से फेरी सर्विस भी कोची में स्टार्ट हुई है, और कोची का जो एयरपोर्ट है उसको चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड मिला था, क्योंकि ये पहला एयरपोर्ट है भारत का जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलता है। तो कोची में आयोजन हो रहा है इसका, 3 दिवसीय, 7 फरवरी से 9 फरवरी तक। और इसका थीम क्या है? इसका थीम है नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन, क्योंकि जो समुद्री भोजन होता है उसके विकास के लिए आई थी ब्लू रेवोल्यूशन, जो मैरीन फूड होता है। बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन, बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन। तो इसका क्या मतलब है बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन? नीली क्रांति में हमें क्या करना है कि ये पूरा थीम है इसका, कंप्लीट इतना बड़ा थीम है इसका। यानी कि जैसे मान लीजिए आलू है, आलू आपको 1 रुपए का 1 आलू मिलता है अगर, लेकिन चिप्स का पैकेट अगर उसके चिप्स बना दें तो आपको 10 रुपए का मिलेगा। इसे बोलते हैं वैल्यू एडिशन या प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग। फूड को जब आप प्रोसेस करते हैं तो कच्चे फूड से जब आप उसको प्रोसेस करके बनाते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। यही हमें समुद्री भोजन के साथ करना है। तो ये था इसका थीम। भारत ने कच्चे तेल के आयात के लिए किस देश के साथ निश्चित अवधि के अनुबंध पर हस्ताक्षर करें? इसे बोलते हैं टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ये करा है भारत ने रूस के साथ। भारत रूस से खरीदेगा कच्चा तेल, यानी क्रूड ऑयल, पेट्रोल खरीदेगा। एक बात याद रखो, रूस की कंपनी कौन सी है जिससे खरीदेगा? ये कंपनी है रोज नेफ्ट। मैंने आपको इस कंपनी के बारे में कई बार बताया है, ये रूस की सबसे बड़ी तेल निकालने की कंपनी है। जैसे भारत में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, वैसे ही रूस में है रोज नेफ्ट। एक कंपनी और है रूस की जिसका नाम है गैस प्रॉम, ये भी तेल और गैस की कंपनी है, गैस प्रॉम। इसके अलावा रूस की एक कंपनी और याद रखिए, अलरोसा। अलरोसा हीरे जवाहरात की कंपनी है, डायमंड्स की। एक है कैस्पर स्काई, ये भी याद रखिए। एक हथियारों की कंपनी है एलमाज अंटे, ये भी याद रखिए। तो रूस की सारी कंपनियां आपको याद रखनी है, आंसर है रूस। और इसको साइन किसने किया? भारत के तेल और गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। हाल ही में किस शहर को यूनेस्को से विश्व विरासत प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? विश्व विरासत स्थल कौन बना था पिछले साल? ये बना था जयपुर। तो जयपुर शहर जो है ये यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल बन गया था, इसको प्रमाण पत्र मिला है यूनेस्को की जो महानिदेशक है जिनका नाम है ऑड्री अजोले। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, जहां पे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय भी है, आईईए का, एफएटीएफ का भी है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का भी है पेरिस में जो हेडक्वार्टर है, कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस का है। पेरिस में 2024 के ग्रीष्म ओलंपिक भी होंगे। और पिछले साल यूनेस्को का जो विश्व विरासत समिति है उसकी बैठक हुई थी अजरबैजान की राजधानी बाकू में, और इस साल होगी 2020 में होगी ये बैठक चाइना के फुजो नाम के शहर में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका काम है जगह जगह पे खनिज देखना, जैसे कोयला या जो दूसरी चीजें हैं उनका खनन करना, उनको एक्सप्लोर करना। तो इसके नए महानिदेशक बने हैं मिस्टर श्रीधर मोंडेट्री, श्रीधर मोंड्रेटी अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं, मोंड्रेटी श्रीधर। इससे पहले थे मिस्टर सुरेश नारायण मेश्राम, लेकिन अब है मोंड्रेटी श्रीधर। किस राज्य ने जन सेवा योजना शुरू की है जिसके तहत सरकार की सेवाओं को होम डिलीवरी की जाएगी, यानी घर तक पहुंचाया जाएगा? मान लो आपको पासपोर्ट बनवाना है तो आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र जाने की आवश्यकता नहीं है, आप एक
छोटा सा शुल्क देकर ये सेवा अपने घर के कंफर्ट में ले सकते हैं। तो ये दिल्ली सरकार ने, आपको याद होगा, सबसे पहले स्टार्ट किया था कि जो होम डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, अब शुरू करा है ये कर्नाटक की सरकार ने। तो ये स्कीम है जन सेवक स्कीम, इसका नाम जन सेवा योजना नहीं, जन सेवक योजना है, जन सेवक योजना। तो आंसर है इसका कर्नाटक। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बी एस येदियुरप्पा और यहाँ के राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला। प्रणब कुमार गगोई, इनका निधन हो गया, ये किस राज्य की विधानसभा के पूर्व स्पीकर थे, सभापति थे? तो ये असम की जो वो है लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां की विधानसभा, उसके पूर्व स्पीकर थे। तो इनका निधन अभी हो गया। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के ये अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है अभिषेक डालमिया। ये सिर्फ 38 साल के हैं, और आपको बता दूं अभिषेक डालमिया जो हैं ये जगमोहन डालमिया के बेटे हैं। जगमोहन डालमिया आपको याद होगा बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, आज बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं सौरभ गांगुली और सेक्रेटरी हैं जय शाह। 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार, इसके लिए किसे नामित किया गया है? अभी मिला नहीं है, अभी सिर्फ वो मिला है, नॉमिनेशन मिला है, ये मिला है ग्रेटा थनबर्ग को। तो ग्रेटा थनबर्ग को हो सकता है बहुत जल्दी नोबेल शांति पुरस्कार अगले साल मिल जाए, अभी तो काफ़ी टाइम है, अभी तो 8 से 9 महीने पड़े हैं नोबेल पुरस्कार में। ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की है, इन्होंने किताब लिखी है नो वंस टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस, यानी कोई भी इतना छोटा नहीं होता कि कोई कुछ कर ना पाए दुनिया के लिए, नो वन इज टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस। और ग्रेटा थनबर्ग को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार भी मिला था। डैनियल आरएप मोई, इनका निधन हो गया, वे किस देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति थे? ये बहुत ज्यादा तानाशाह माने जाते थे, बहुत ज्यादा क्रूर भी थे डैनियल आरएप मोई, और इन्होंने 24 साल केन्या पे राज किया, 24 साल केन्या के राष्ट्रपति थे। तो आंसर है केन्या, बहुत ज्यादा क्रूर, इनके बारे में मैं एक बायोग्राफी बनवाऊंगा बहुत जल्दी। केन्या की राजधानी है नैरोबी, और नैरोबी में यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का हेडक्वार्टर है। लॉर्ड जे, लॉर्ड ऑफ एनोनिमिटी, ये एक पॉप स्टार हैं, सिंगर हैं, गायक हैं लॉर्ड जे, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है लॉर्ड जे लॉर्ड ऑफ एनोनिमिटी। इस गायक का जन्म भारत में हुआ था, कहाँ पे? इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था लॉर्ड जे का। किस देश ने हाल ही में जेबेल अली क्षेत्र नामक एक प्राकृतिक गैस क्षेत्र की खोज करी है? वैसे तो इस देश में गैस पहले ही बहुत ज्यादा है, अभी गैस का बहुत बड़ा भंडार मिला है जिसमें माना जा रहा है 80 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस होगी, यानी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा गैस का भंडार होगा। यह खोजा गया है आबू धाबी से दुबई का जो रास्ता है उसके बीच में, और ये दोनों जगह है संयुक्त अरब अमीरात में। तो आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को भारत ने रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी डिक्लेयर करा है, रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी डिक्लेयर करा है यूएई को। कौन सा राज्य वैश्विक चिकित्सा डेटा लीक से प्रभावित राज्यों की सूची में नंबर वन रहा? चिकित्सा डेटा लीक मतलब क्या होता है? लोगों का सीटी स्कैन का रिकॉर्ड, एमआरआई स्कैन का रिकॉर्ड सब लीक हो गया है। ये एक वो है कमी आज की साइबर सुरक्षा में, अगर साइबर सुरक्षा अच्छी ना हो तो डेटा लीक हो सकता है। तो जब लोगों का मेडिकल डेटा लीक हो गया तो सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट, लोगों का पर्सनल डेटा सब लीक हो गया, इसमें प्रभावित राज्यों में नंबर वन था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मूडीज के हिसाब से भारत का जीडीपी कितना ग्रो करेगा? मूडीज एक अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इनके हिसाब से भारत का जीडीपी मौजूदा वित्तीय वर्ष में ग्रो करेगा केवल 4.9%, और अगले साल कितना करेगा? अगले साल करेगा 5.5%, 5.5%। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में देश के 13वें प्रमुख बंदरगाह की स्थापना को मंजूरी दी है? 13वें प्रमुख बंदरगाह, अभी 12 प्रमुख बंदरगाह हैं भारत में, जैसे मुंबई या मुंद्रा, कांडला, बड़े बड़े जो बंदरगाह हैं सबसे बड़े बड़े, विशाखापट्टनम और कोलकाता, हल्दिया, चेन्नई, कोची, तो बड़े बड़े जो बंदरगाह हैं भारत में, अब 13वां प्रमुख बंदरगाह भारत में बन रहा है, और वो बन रहा है महाराष्ट्र में। इसका नाम होगा वधावन, वधावन बंदरगाह, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं कौन सा बंदरगाह है जिसमें अदानी ने 75% हिस्सेदारी खरीदी अभी अभी? कमेंट्स में लिख के बताइए। और दूसरा क्वेश्चन, कौन सा बंदरगाह है जिसने अभी अभी 150 साल पूरे किए? तीसरी स्कॉर्पियन पंडुपी जिसे दिसंबर तक भारतीय नौसेना को सौंपा जाएगा उसका नाम क्या है? तो INS कलवारी, फिर थी INS खंडेरी, और अब तीसरी है INS करंज।
INS करंज बनके लगभग तैयार है और इसे भारतीय नौसेना को दे दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। S-400 सतह से हवा में मार गिराने वाली मिसाइल प्रणाली भारत को किस देश के द्वारा सौंपी जाएगी? S-400 को 2021 तक भारत को सौंप दिया जाएगा रूस के द्वारा। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी सतह से हवा, सरफेस टू एयर, सतह से हवा में मार गिराने वाली मिसाइल है। जमुना किस देश का एक नौसैनिक जहाज है? जमुना जहाज जो है ये भारत का जहाज है। ये न्यूज में क्यों आया? ये अभी अभी श्रीलंका गया है, श्रीलंका गया ये जहाज, तो ये जहाज न्यूज में आया। और वैसे आपको बता दूं, ब्रह्मपुत्रा नदी को जमुना बोलते हैं बांग्लादेश के अंदर, ब्रह्मपुत्रा नदी को जमुना कहा जाता है बांग्लादेश के अंदर। निम्नलिखित में से किसने भारत में बच्चों के शोषण को कम करने के लिए बाल संरक्षण कोष को लॉन्च किया है? बाल संरक्षण कोष बनाया है प्रिंस चार्ल्स ने, प्रिंस चार्ल्स, और इसकी ब्रांड एम्बेसडर होंगी मशहूर सिंगर केटी पेरी, केटी पेरी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुष्ठ रोग के उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए किस व्यक्ति को वर्ष 2019 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया है? अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार मिला है डॉक्टर NS धर्मशक्तु को, डॉक्टर NS धर्मशक्तु, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार। कुष्ठ रोग किसको बोलते हैं? लेप्रसी। इसको हम हैंसन्स डिजीज भी बोलते हैं, हैंसन का रोग। इसके लिए भारत में दिवस होता है 30 जनवरी, पूरी दुनिया में होता है जनवरी का आखिरी रविवार, जो इस बार था 26 जनवरी को। तो ये था हमारा वीडियो 7 फरवरी का, बहुत जल्दी मिलते हैं बाकी वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ प्रीमियम।